ठीक है फिर, नहीं तो क्या होता है, आप बड़े यूट्यूबर को बुला के वीडियो फिर बनाओ, फिर उनको पैसे दो, फिर उसके बाद में अगर वो नहीं चला या बकरा नहीं बिका तो आपको दो दो जगह से लॉस हो जाता है, वो पैसे भी चले जाते हैं आपके और बकरा भी रह जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा बकरी का करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे। फ्रेंड फिर एक नई वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, और मैं शौक के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी जेके गुड फॉर्म की फ़ीमेलों का शौक है। आप हमारी फ़ीमेल वगैरह देख सकते हैं, जो कि सिर्फ शौक की है, सेल की नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक सेटअप हम लोग तैयार कर रहे हैं तकरीबन 40 फ़ीमेल का, तो अभी हमारे पास मुकम्मल 20 फ़ीमेल जमा हुई है माशाल्लाह, और धीरे धीरे हम लोग और फीमेल अभी आपको जमा करेंगे, जिसमें से ये एक बोर सेल के लिए छोटा वाला, ठीक है, और एक वो बैंटम लिलीपोट जिसको अली पकड़ा है वो वाला है, ठीक है। ये अली मेरा लड़का, अली हाथ दिखा बेटा, हाँ शर्माता बहुत है ना, इसके लिए ऐसा छोटा हाथ दिखाता है। तो ये जो फीमेल है फ्रेंड, आप देख सकते हो खाने में सब व्यस्त है, मगन एकदम। मैं आपको दिखा दूँ फीमेल को, अच्छी क्वालिटी में माशाल्लाह, इसमें आप देख सकते हो, हट अली वहाँ से। और ये छोटी बैंटम भी आप देख सकते हैं, वो भी बेचारी अभी माशाल्लाह कभी भी बच्चे डालेगी। और ये वाइट वाली मुंडी फीमेल है, सब फीमेल है इसमें, खाली वो एक सानियन बकरा है, वो जो उधर खड़ा रहकर खा रहा ना सानियन, वो एक सानियन है, तकरीबन 8 महीना 7 महीना है, 8 महीने की उम्र का है, वो देने का है मेरे को 14,000 रुपये में, ठीक है। और एक उसका छोटा भाई यहाँ खा रहा है, ये 12,000 रुपये का है, ये वाला सानियन देख सकते हो, ये वाला। इसकी सींग देखो, मार्बल सींग, मार्बल खोर में एकदम बड़ी लंबी सींग है, आप देख सकते हो। और ये मेरी काली बैंटम, ठीक है। तो ये जेके गुड फार्म का आप शौक करें, मैंने धीरे धीरे सब सेटअप किया माशाल्लाह, ढूंढ ढूंढ के लाया एक एक बकरी, और फिर जाके मैंने बकरियों का पूरा सेटअप बनाया हूँ। ओके फ्रेंड, तो मैं आपको जेके गुड फार्म का शौक कराऊँगा। अभी हम लोग खाना के बाद फिर फार्म की पूरी साफ़ सफाई करेंगे, हर 2 दिन में 1 दिन में हम लोग साफ़ सफाई खुद करते हैं। अभी ये लोग को खाना खिलाने के बाद सबको हम लोग बाहर छोड़ेंगे, और उसके बाद में साफ़ सफाई करेंगे, फिर उसके बाद में लोगों को थोड़ा 2 घंटा बाहर रहने के बाद फिर अंदर लेंगे। तो इस तरीके से गर्मी का समय है, पंखे भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह चलते रहते हैं हमारे इधर, ताकि उधर भी 2 पंखे लगे हैं बाजू वाले बाड़े में, और उधर पर ही अपना हीरा है मेंढा, ठीक है, और 2 तोतापरी बच्चे उधर हैं, ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी एक शौक कराता रहूँगा फ्रेंड। अगर कोई मेरा भाई नया है तो मैं सजेस्ट करूँगा इंशाल्लाह, अगर आपको पार्ट टाइम पे भी काम करना है तो आप बकरी का सेटअप लगाएं। बकरी आराम से बच्चे वगैरह देती तो आपके पैसे कवर हो जाते हैं, और बकरी में इतना टेंशन भी नहीं होता है, थोड़ा सा बस आपको मालूम की ज़रूरत है। अगर आपको मालूम हो जाएगी इंशाल्लाह तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे क्या होता है, बकरी जब आप लाते हो वो गाभन होती है, गाभन होने के जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका भाव बढ़ जाता है अच्छा खासा, और बच्चे देने के बाद में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा करके मैं सजेस्ट करूँगा, मेरे जो भी भाई अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो बकरी पाले, सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ताकि आप बकरी के बच्चे बना के 2 पैसा कमा सकते हो। बकरों में उतना पैसा रिटर्न नहीं आता है, क्योंकि आज की मार्केट बहुत से लोगों ने 350-350 रुपये किलो से मार्केट कर दी है, तो उसमें आप लोग को पैसे छूटेंगे नहीं। वो एकदम बड़ा लाफा, जिसके बड़े यूट्यूब चैनल है, जिसका माल ज़्यादा बिकता है, उसी के लिए वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो लोग 50-100 रुपये 50 रुपये 60 रुपये पे किलो पे धंधा करके माल बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास रुक गया और आपने उतना खिला दिया तो आपको कहीं ना कहीं लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे बेस्ट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बकरी पालें। बकरी पालने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई टेंशन नहीं होगा, और आपका शौक भी होता रहेगा, और बच्चे भी देते रहेगी तो आपकी आबादी बढ़ेगी, आपके 2 पैसे बनेंगे। बस इतनी मेरी राय, इंशाल्लाह अगले वीडियो में भी मैं आपको राय दूंगा इसकी, बकरी के बारे में किस तरीके से आपको करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। नहीं तो क्या होता है, आप बड़े यूट्यूबर को बुला के वीडियो फिर बनाओ, फिर उनको पैसे दो, फिर उसके बाद में अगर वो नहीं चला या बकरा नहीं बिका तो आपको दो दो जगह से लॉस हो जाता है, वो पैसे भी चले जाते हैं आपके और बकरा भी रह जाता है, तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा बकरी का करो, इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं। और अगर किसी को वीडियो बनवाना है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करें, मैं मुंबई में खुद अभी आके वीडियो बनाना चालू किया हूँ, खुद आके वीडियो बनाऊँगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, आपकी चाय भी नहीं पीना है हमको, हम आपका वीडियो फ्री में बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है फ्रेंड। ओके तो सो बाय, आप लोग अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।